अनपढ़ के बच्चों के साथ घोटाला करके 20,000 पदों को लूटने का काम किया, तो न्याय क्यों नहीं करती सरकार? और महिलाएं, जहां महिलाओं पे आज जुर्म जाती हो रही है, जहां महिलाएं जो है आज बेबस लाचार है, ना सुरक्षा है ना संरक्षण है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी। अभी आपका चंद्रशेखर एक छोटे पौधे की तरह है, धीरे धीरे आपके संरक्षण में वो पौधा बड़ा होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन आपके आशीर्वाद से और वोट की ताकत से वो ताकतवर हो गया, फिर मैं लिख के देता हूँ कि किसी महिला को घर पे परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको कुटीर उद्योग लगा के घर पे रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। इस बात की भी मैं आपको वचन देता हूँ। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों के सपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का जो भी योगदान हो सकता है उसको दो। और आज ये भी जानते हो, इस कड़ी में जब मैं पिछली बार आया था तब ये हालत नहीं थी, लेकिन आपको पता है उसके बाद मुझे गोली भी खानी पड़ी, 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। और उसको चलाने का एकमात्र मकसद था, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर मानव काशीराम साहब के। राकेश कदम जी, राहुल जाटव जी, हरजीत सिंह जी, मोहम्मद शकील जी, सरफराज अली जी, सुरेश जी, अंकित जी, जवान सिंह जी, सोनू सहरावत जी, महेश चंद जी, दिनेश सागरी, डॉक्टर विनोद कर्दम जी, मोनू कुमार जी और उनके सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये चुनावी कार्यक्रम है। अगर सामाजिक कार्यक्रम होता तो मैं फिर आपसे बहुत देर बात करता, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम है। प्रयास ये है कि जहां जहां तक खबर चली गई वहां वहां तक हम लोग पहुंच जाएं। हमारे बीच में हमारे रिटायर्ड सीईओ कल्याण सिंह जी भी आगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आ जाए। ये जब जब मैं गाजियाबाद आता हूं और इस पार्क में आता हूं और इस स्टैचू पर माल्यार्पण करता हूं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम पढ़े लिखे लोगों पे लग जाएगा कि हम पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया। मैं और हमारे साथी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, और धीरे धीरे कछुए की चाल समझिए, कोई और नाम दे सकते, वो धीरे धीरे इस चाल से चल रहे हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ के जो सपने महापुरुषों ने देखे थे वो पूरे नहीं हुए, उनकी संतान होने के नाते उन जरूर अधूरे सपनों को हम लोगों को पूरा करना है। आज भी इस देश में लाखों लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, लाखों लोग हैं जो बिना साफ पानी को पिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लाखों लोग हैं जिनके पास आज भी पक्के मकान नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास कुटिया जैसे मकान है जिसमें जो है अमीरों के जानवर जहां बनते हैं, ऐसे उससे भी छोटे छोटे इसलिए मैंने कहा सरकारी संपत्ति में नुकसान हो रहा है, जनता की संपत्ति है, हमारे टैक्स से बनी है, तो कोई चाहे लापरवाही में करे या जानबूझ करे या साजिश करे, इस तरह का हमला बर्दाश्त करना चाहिए। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसका संरक्षण करना ये भारतीय संविधान हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है, ड्यूटी है हमारी। इसलिए मैंने अपने कर्तव्य का प्रयोग किया, वकील होने के नाते जिम्मेदार नागरिक होने से मैंने अपील की कि परिवार के लोग ये बताएं कि सरकारी संपत्ति और किसी की संपत्ति नुकसान नहीं होना, और स्कूल में भी इसका चर्चा स्कूल में भी पढ़ाया जाए, वही इस तरह की घटना में शामिल नहीं होना।